Okay, children. So we have two questions to be discussed, shared by one of your friends. Theory of equations ke questions hain. Achhe question hain. Achhe concept, basic concept pe based hain. To main aapke saath share karta hoon iska solution. Kahin pe bhi, koi bhi concept mein agar aapko pareshani aayegi, to aap chat box use karke bataoge kahan pe pareshani aa rahi hai. Theek hai? Let's see. Inhone bola, if this is equal to zero and x is a rational function of y, ठीक है? X क्या है? एक rational function y में है. यानी क्या हम कर सकते हैं? X is equal to f of y लिख सकते हैं. जहाँ ये क्या है? Rational function है. Rational function का क्या मतलब होता है? कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ rational numbers ही होंगे, ठीक है? And ac is negative. इन्होंने बोला ac is negative. Then which of them is correct? Okay, wonderful question. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे x को देखूंगा क्या इक्वेशन बन के आ रही है, ठीक है? लेट्स हैव अ लुक हियर. तो मैं इसमें x के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हैव अ लुक एट दैट. तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लूँ बच्चों, तो ए वाई कॉमन आता दिखता है फर्स्ट ब्रैकेट से, और सेकेंड ब्रैकेट से ए डैश कॉमन आता दिखता है, ठीक है? और इसके अलावा जो टर्म हमारे पास बच जा रहे हैं, दैट इज सी इंटू वाई प्लस सी डैश, ठीक है? This is the equation that we are able to frame. Now, अब क्योंकि x एक rational function है, यानी कि जो मेरे पास यहाँ पे इसका discriminant आएगा, right? जो भी इसका discriminant होगा, उसके बारे में मैं क्या कहूँगा कि वो perfect square होगा, right? मैं क्या कहूँगा? Discriminant will be a perfect square, right? That is what I can say about this. It will be a perfect square. ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि एक्स स्क्वायर में ये राइट बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई एम श्योर आप सभी लोग जानते हैं, राइट? दैट विल बी माइनस बी राइट प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, राइट? जनरल एक्सप्रेशन जो होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का. तो दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, राइट? अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये रैशनल फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ना, ठीक है? तो मैं इसके डिस्क्रिमिनेंट पे वर्क करूंगा. देखते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ रहा है. बी वाला टर्म यहाँ पे जीरो है बिकॉज एक्स का कोई कोफिशियंट नहीं है, राइट? तो माइनस बी इज गॉन, प्लस माइनस एक ही बात है. मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पे वर्क कर रहा हूँ. तो देखता हूँ बी स्क्वायर हो गया जीरो का स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ए कितना है? ए है मेरे पास ए वाई प्लस ए डैश, और सी कितना है? सी वाई प्लस सी डैश, ठीक है? दैट इज इक्वल टू जीरो. नो, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, बल्कि ये तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास, है ना? इसको इक्वल टू जीरो हम कैसे ले सकते हैं, राइट? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ही रूट होगा, है ना? एक ही रूट होगा. ओके, तो फिलहाल हमने डिस्क्रिमिनेंट की ये वैल्यू रखी, ठीक है भाई? जरा इसको चेक करते हैं क्या आ रहा है. जीरो का स्क्वायर तो रहने दो, दैट इज यूजलेस. यहाँ देखते हैं ये क्या आ रहा है. ए वाई इंटू सी वाई, ये मेरे पास आ गया ए इंटू सी वाई स्क्वायर, ठीक है? y के कोफिशियंट को अगर मैं देखूं तो y का कोफिशियंट क्या है? ए वाई इंटू सी डैश, यानी कि ये आ जाएगा ए सी डैश, और यहाँ ए डैश सी, राइट? दैट इज व्हाट, दैट इज ए डैश सी. और यहाँ जो लास्ट टर्म आ रहा है, दैट इज कमिंग आउट टू बी ए डैश एंड सी डैश, ठीक है बच्चों? दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट. अब देखो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये रैशनल फंक्शन है, तो हमें पता है कि ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है. बेटा, कोई भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इस फॉर्म को तुम क्या कहोगे? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसा ही कुछ बनेगा ना यार? तभी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, राइट? फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा विल गेट दिस वैल्यू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर. और कभी भी अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है, उसका ये मतलब सिंपली मैं ये कहूँगा कि भाई वहाँ पे हमारे पास उसका एक ही रूट होगा. और एक ही रूट होगा, इसका क्या मतलब है? कि उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, राइट? तो ये जो वाई स्क्वायर में मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, राइट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी ये चीज रैशनल फंक्शन वाली बात ट्रू हो पाएगी. तो मैं देखूंगा इसका डिस्क्रिमिनेंट. अब जो ये वाई में जो मेरे पास, बिकॉज फंक्शन किसका है? फंक्शन इज एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है? तो ये जो वाई में जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन के आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो पाएगा. तो मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट देखता हूँ. लेट्स सी, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी डैश प्लस ए डैश सी होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट? तो फोर
AC. AC कितना है मेरे पास? A है यहाँ पे A into C. और C वाला term constant term कितना है? This is A dash C dash. ठीक है? This thing has to be equal to what? Zero. अगर मैं इसको आगे देखता हूँ, तो यहाँ से क्या आएगा? A square, right? Plus B square plus 2AB. तो ये जो तुम्हें मिलेगा, ये क्या मिलेगा? Plus 2A A dash C C dash, जो तुम्हें minus में यहाँ पे मिला हुआ है. तुम अगर इस बात को समझ रहे हो, राइट, मैं देखो यहाँ पे अलग से हाईलाइट करके लिख भी देता हूँ, कभी भी अगर आपके पास राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और बाहर तुम्हारे पास माइनस फोर ए बी है, तो क्या ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इट इज़ लाइक ए माइनस बी का होल स्क्वायर? क्या हम लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं? अगर नहीं जानते हैं तो बहुत बेसिक सी बात है बच्चों, बहुत बेसिक. ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ से प्लस टू ए बी है, यहाँ माइनस फोर ए बी है, तो प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी कैंसिल होकर माइनस टू ए बी आएगा, बचेगा क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, तो अगर आप इस बात को जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते थे तो आई होप आप यहाँ से इसको ध्यान रखेंगे. तो ये स्ट्रेट अवे मैं इसको क्या लिखूंगा? ए सी डैश माइनस ए डैश सी का होल स्क्वायर, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. सो इफ दिस इज इक्वल टू जीरो चिल्ड्रेन, देन व्हाट डू यू गेट? You have a c dash minus a dash c is equal to zero. And do I have such option? नहीं, यहाँ बीच में plus दे रखा है ना, minus वाला नहीं है. Minus वाला नहीं है तो मुझे तो बस एक ही choice लग रही है, b, यानी कि जो second choice है ये होनी चाहिए. आओ देख लेते हैं, ये a c dash और a dash c. मनन अभी अपनी book से check करके बताएंगे कि इसका second option है कि नहीं, है ना? तो ये c अपॉन c डैश, इस तरीके से सेकंड चॉइस इसका आंसर होना चाहिए. प्लीज कंफर्म इट बेटा. यही है. गुड. सो वी हैव अनदर इक्वेशन हियर, जहां पे ये कह रहे हैं कि a b c d रियल नंबर्स हैं, राइट? अभी अभी हमारे एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर अगर हम ऑप्शंस को देखें और इसमें कह रहे हैं सिक्स रूट्स, इसमें कह रहे हैं एटलीस्ट टू रूट्स, फोर रूट्स, थ्री रूट्स, तो इसमें जो सबका इंटरसेक्शन है वो तो टू तो हर केस में सही है ना. अगर सिक्स रूट्स हैं तब भी एटलीस्ट टू इज करेक्ट, है ना? तो अगर आप सिर्फ लॉजिक लगाते बिना किसी कॉन्सेप्ट के तो भी आपका आंसर क्या होता? सेकंड ऑप्शन होता, है ना? मेरे ख्याल से यही सही आंसर भी होगा. बट आओ इसके पीछे का हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, ताकि अगर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ जाए तो भी हम उसको कॉन्सेप्चुअली हमेशा डील कर सकें. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. तो यहाँ पे तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस थ्री टाइम्स बी द फर्स्ट पार्ट, देन यू हैव एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स प्लस बी, एंड देन द थर्ड पार्ट इज देयर विच इज एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ये हमारे पास तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मल्टीप्लीकेशन में, राइट? अगर ये तीनों के तीनों का डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो हुआ, राइट, तो ही रूट्स हमारे रियल होंगे. और क्योंकि ऑप्शंस, देखो हमेशा क्वेश्चन में सिर्फ हिंट नहीं होता है, जो आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हैं वो भी आपके लिए हिंट है. इस तरह के अच्छे क्वेश्चंस में तुम्हें ऑप्शन भी ध्यान से देखना चाहिए. तो रूट्स के रियल होने की बात हो रही है, राइट, तो ऑब्वियसली बात है हम डिस्क्रिमिनेंट ही सोचेंगे. ये सब तो हम लोग क्लास नाइन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी आप ट्वेल्थ में हो. ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पे हम लोग रूट्स के रियल होने की बात कर रहे हैं तो हम क्या चेक करेंगे? सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. तो ये तीन सेपरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, मैं तीनों की डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेता हूँ. लेट्स से मैं पहले का डिस्क्रिमिनेंट d1 बोलता हूँ, क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल गिव मी 12b. ठीक है, एंड देन डिस्क्रिमिनेंट नंबर टू इसका अगर देखो तो माइनस सी का स्क्वायर इज सी स्क्वायर एंड माइनस फोर बी. ठीक है बच्चों, एंड देन द थर्ड वन दैट इज द थर्ड इक्वेशन, यहाँ पे भी माइनस डी का स्क्वायर विल बी प्लस डी स्क्वायर एंड माइनस दैट वुड बी एट बी. अब देखो क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये सब रियल नंबर्स हैं, अब जब ये रियल नंबर्स हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर से तो मुझे थोड़ी भी टेंशन नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा. ठीक है, कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है ए बी सी डी में से, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है. बट हाँ, हम सिर्फ क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे बी दिख रहा है तो मैं सिर्फ दो केस यहाँ पे कंसिडर करूँगा, राइट? केस नंबर वन व्हेन बी इज पॉजिटिव एंड केस नंबर टू व्हेन बी इज नेगेटिव.
ठीक है, तो अगर तुम्हारा बी नेगेटिव है, अगर बी नेगेटिव है तो आप ये जो ए स्क्वायर प्लस 12 बी है इसके बारे में आप श्योर नहीं हैं कि ये हमारे पास नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, बट यू आर 100% श्योर कि ये दोनों हमारे पास पॉजिटिव होंगे, आई होप यू गेट माई पॉइंट, ठीक है, अगर बी हमने ये सॉरी मैंने पहले सेकेंड केस ले लिया, ठीक है, अगर बी हमारा नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस 12 बी, बिकॉज बी नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस 12 इंटू समथिंग, राइट, दिस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी डोंट नो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ बी एंड सी एंड डी, दीज टू एक्सप्रेशंस डी टू एंड डी थ्री विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, वाई, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस समथिंग डी स्क्वायर प्लस समथिंग विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, सो इन बोथ द केसेस द डिस्क्रिमिनेंट्स वुड बी पॉजिटिव, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एक केस कंसीडर कर रहा हूं व्हेन बी इज नेगेटिव, आई एम 100% श्योर कि कम से कम इसके चार रियल रूट्स होंगे, ठीक है, अब मैं अगर दूसरा केस कंसीडर करता हूं व्हेन बी इज पॉजिटिव, अगर बी पॉजिटिव है तो ये चीज हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो आई चेंज द कलर सो दैट यू हैव बोथ एक्सप्रेशंस, ठीक है, व्हेन आई कंसीडर व्हेन बी इज पॉजिटिव तो ये चीज तुम्हारे पास क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव होगी, a square is positive, b is positive, so a square plus 12b will be positive. मतलब यहाँ से तो हमारे पास real roots आएंगे ही आएंगे ना, ठीक है, और on the other hand, अब यहाँ पे जब हमारे पास b positive है, तो अब again, इसके बारे में हम sure नहीं है, right? We are not sure, ठीक है, we are not sure whether this expression is positive or negative, depends on the numerical values of b and c and d, ठीक है, तो हम यहाँ पे sure नहीं है, लेकिन हाँ, इन दोनों cases में हम एक चीज के लिए sure हैं, कि इन दोनों ही केसेस में या तो हमारे पास D1 पॉजिटिव है या फिर D2, D3 दोनों पॉजिटिव है, राइट, सो वी आर वेरी श्योर दैट वी हैव एटलीस्ट टू रियल रूट्स, ठीक है बच्चों, एंड दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिहाइंड दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आप इसमें बड़े आसानी से लॉजिकली भी इस ऑप्शन तक पहुंच सकते थे, ठीक है, सो आई होप दिस गिव्स यू अ क्लैरिटी ऑफ दिस.